हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो, ये एक मूवी के ट्रेलर की रिएक्शन वीडियो है। इस मूवी का नेम है कैथरीन मोस ही। पहले हम देखेंगे इस मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम इस मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन। ओ वाओ, मूवी स्टार्ट हो गई लग रहा है। இந்த உலகத்தை ஜெயிப்பன் அலெக்சாண்டர் சொன்னப்போ அவன் சித்தப்பன் சிரிச்சவன் பேகபேகன் சிரிச்சான், அலெக்சாண்டர் மனைச்சான். ஆனா அலெக்சாண்டர் ஜெயிக்கல. அதே மாதிரி தான் நானும் காதல ஜெயிப்பேன், லைஃப்லயும் ஜெயிப்பேன். क्या बात है बेहतरीन, वाओ। चलिए तुम्हें बंदे लोग मनी लिख सकते हो कि बाढ़ पड़े बच्चे वाले कितने हाँ बहुत ही फन लेवल टाइप मूवी लग रही है, बहुत मजेदार। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उस पर मेरा रिएक्शन। अब हम बात करेंगे आपसे इसी मूवी के हवाले से। तमिल लैंग्वेज मूवी और ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर है, और इस मूवी को डायरेक्ट किया और लिखा है राधे मोहन ने। और इस मूवी की जो कास्ट में शामिल है वो है ज्योतिका विद्यारत और लक्ष्मी मंचू है। और जो कि मैं बताता चलूँ, ये मूवी जो है बेसिकली रीमेक है हिंदी मूवी तुम्हारी सल्लू का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का ट्रेलर लगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसको देख के। मैंने भरपूर इन्जॉय किया। एक तरह से कह ले, बहुत ही कम ऐसा होता है कि साउथ वाले हिंदी मूवी का रीमेक बना रहे हैं, वाह बहुत ही कमाल की बात है। वरना होता ये कि साउथ की मूवी इतनी परफेक्ट और बेहतरीन तरीके की होती है, साउथ की मूवी का रीमेक हिंदी मूवी में बनाया जाता है, जो कि बड़े बड़े स्टार हैं बॉलीवुड के, जो कि एक तरह से आप कह लें तमिल तेलुगू और साउथ की जो दीगर मूवीज़ होती हैं उनका रीमेक करके बनाते हैं बॉलीवुड के अंदर, और उनकी मूवी छा जाती है, सुपर डुपर हिट हो जाती है, जिनमें सलमान खान, आमिर खान और इसके अलावा दीगर बड़े बड़े स्टार भी शामिल हैं, जो कि एक तरह से आप कह लें, क्योंकि साउथ की मूवी काफ़ी परफेक्ट किस्म की होती है और बहुत अलग और उमदा मैार की होती है, जो कि वाकई में बहुत अपनी मिसाल आप होती है। बेतहाशा लोग देखते हैं और अलग अलग जबानों में उनको डब किया जाता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर देख पाते हैं, जो कि बहुत ही कमाल की बात होती है। और ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा मुझे ट्रेलर लगा, और एक तरह से बात भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि हिंदी मूवी का साउथ ने रीमेक बनाया, जो कि बहुत अच्छे तरीके से ही बनाया होगा, उम्मीद तो ये की जा रही है। और ज़ाहिर कास्ट भी बहुत टैलेंटेड है, और एक तरह से आप कह लें कि बहुत अच्छे तरीके से पेश किया होगा, और उससे ज़्यादा मज़ा आपको उसमें आएगा, क्योंकि ज़ाहिर साउथ की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करती है, बहुत अलग मायार की इनकी मूवीज़ होती हैं, जो कि एक तरह से सब जगह छा जाती हैं, और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक और डिफरेंट किस्म का काम भी होता है। तो जैसे कि इस मूवी को रीमेक करके साउथ में बनाया गया है, तो वाकई में बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा, मतलब
और एक्सपेरिमेंट किया होगा और मतलब कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा है कि बहुत अच्छा किया होगा और बहुत अच्छे तरीके से पेश किया भी है, जो कि ट्रेलर के अंदर काफ़ी हद तक वाजी हो रहा है। ट्रेलर बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग कॉमेडी और फन लविंग टाइप था, कॉमेडी के पहलू ड्रामास्टिक टाइप दिखाए गए जो कि वाकई में काबिल तारीफ़ है। मैंने ट्रेलर को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा और काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी भी बढ़ रही थी और मज़ा आ रहा था ट्रेलर देखते, क्योंकि बहुत अच्छी अदाकारी और एक तरह से आप कह रहे बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ पेश किया गया, जो कि वाकई में काबिल तारीफ़ लग रहा है। और इंडिया के अंदर तो विद्या बालन ने निभाया था ये रोल, जो कि वो भी मल्टी टैलेंटेड है और बहुत अच्छी कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया था, और वो बहुत टैलेंटेड है और हर रोल और हर तरह के अलग अलग किरदार को निभाती हैं बहुत परफेक्ट तरीके से, और इसके अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से निभाया गया, जो कि बहुत मज़ा आएगा आप जब देखेंगे तो भरपूर इंजॉय कर सकेंगे। और इस तरह की मूवी है कि आप इसे बार बार भी देखें तो आपको फिर भी मज़ा ही आएगा जितना कि पहली बार में, क्योंकि कमाल का एंटरटेनमेंट पैकेज की माने थे, बहुत ही मज़ेदार किस्म का ट्रेलर था, एक तरह से आप कह लें परफेक्ट फंटास्टिक फेबुलस सुपर, मज़ा ही आ गया इसे देख के। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखा इस मूवी का ट्रेलर और उसमें मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस मूवी और इस ट्रेलर के हवाले से। अब आप भी मैं अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।